हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज। यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 30 है। इस वीडियो में हम मेथड ओवरराइडिंग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम मेथड ओवरराइडिंग को डिफाइन कर लें। सो मेथड ओवरराइडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ मेथड इन द सब क्लास विद सेम नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट एज अ मेथड इन इट्स सुपर क्लास। अब मेथड ओवरराइडिंग को हम प्रोग्रामेटिकली समझे। मान के चलिए कि हमारे पास एक क्लास है बिल नाम से, और इस बिल क्लास में एक मेथड है गेट अमाउंट नाम से। गेट अमाउंट मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो है डबल, और इस गेट अमाउंट मेथड में दो पैरामीटर्स है, पहला डबल टाइप का और दूसरा इंटर टाइप का। फिर हमने यहाँ पे मेथड बॉडी प्रोवाइड किया हुआ है। अब इसी प्रोग्राम में एक और क्लास है और उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी बिल। यह इलेक्ट्रिसिटी बिल क्लास बिल क्लास को एक्सटेंड कर रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल क्लास की सब क्लास है। अब इस सब क्लास के अंदर भी जो एक मेथड है उसका नाम वही है जो सुपर क्लास की मेथड का नाम है, यानी गेट अमाउंट नाम से सब क्लास में भी एक मेथड क्रिएट की हुई है। इस मेथड का रिटर्न टाइप भी वही है जो सुपर क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप है, यानी सुपर क्लास की गेट अमाउंट मेथड का रिटर्न टाइप है डबल, और यहाँ देखें सब क्लास की जो गेट अमाउंट मेथड है उसका रिटर्न टाइप भी है डबल। अब हम पैरामीटर लिस्ट को देखें। सुपर क्लास की जो गेट अमाउंट मेथड है उसमें दो पैरामीटर है डबल और इंट टाइप के, और सब क्लास की जो गेट अमाउंट मेथड है उसमें भी दो ही पैरामीटर है, पहला डबल और दूसरा इंट टाइप का। यानी यूं कह सकते हैं कि जो सब क्लास की गेट अमाउंट मेथड है उसकी जो पैरामीटर लिस्ट है वह सुपर क्लास की गेट अमाउंट मेथड के पैरामीटर लिस्ट के समान ही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सब क्लास की गेट अमाउंट मेथड है उसने सुपर क्लास की गेट अमाउंट मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। तो ओवरराइडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सब क्लास के अंदर उसी नाम से मेथड क्रिएट करते हैं जिस नाम से इसकी सुपर क्लास में एक मेथड ऑलरेडी है, और उसका रिटर्न टाइप जो है और उसकी जो पैरामीटर लिस्ट है वह भी हम सेम रखते हैं। यहाँ पे सेम पैरामीटर लिस्ट से मतलब है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, यह तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड एक और रूल है, और वह रूल है रिटर्न टाइप से रिलेटेड, तो उसको हम डिस्कस करें। यदि सुपर क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो सब क्लास में उस मेथड को ओवरराइड करते समय रिटर्न टाइप को हमको एज इट इज रखना पड़ता है। किंतु यदि सुपर क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप कोई क्लास है, जैसे यहाँ पे देखें बिल एक क्लास है और उस बिल क्लास में गेट अमाउंट मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो है नंबर। नंबर एक इनबिल्ट क्लास है, जावा इनबिल्ट क्लास। तो इस गेट अमाउंट मेथड को जब हमें सब क्लास में ओवरराइड करना है तो ओवरराइड करते समय या तो रिटर्न टाइप को आप एज इट इज रखें, यानी जो रिटर्न टाइप सुपर क्लास की मेथड में है वही सब क्लास की मेथड में भी रखें। जैसे यहाँ पे सुपर क्लास की मेथड में रिटर्न टाइप में नंबर एक क्लास को लिखा है, तो यहाँ पे भी सब क्लास की गेट अमाउंट मेथड में नंबर उसी क्लास को हमने दिया हुआ है। तो क्लास टाइप को यदि रिटर्न टाइप हो तो रिटर्न टाइप को या तो आपको सेम रखना पड़ेगा या फिर आप कोवेरिएंट रिटर्न टाइप भी रख सकते हो। यानी यदि सुपर क्लास की मेथड का रिटर्न टाइप कोई क्लास है तो सब क्लास में उस मेथड को ओवरराइड करते समय रिटर्न टाइप में आप सुपर क्लास की रिटर्न टाइप का सब टाइप दे सकते हैं, उसकी सब क्लास को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें गेट अमाउंट मेथड जो है उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे दिया हुआ है डबल, और यह डबल जो है वो इनबिल्ट जावा क्लास है जो कि नंबर इनबिल्ट जावा क्लास की सब क्लास है। तो यहाँ पे हमने सब क्लास में मेथड को ओवरराइड करते समय जो रिटर्न टाइप दिया हुआ है वह सब टाइप दिया है, सब क्लास लिखा है। सुपर क्लास में जो रिटर्न टाइप है उस टाइप की सब क्लास को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह भी मेथड ओवरराइडिंग के अकॉर्डिंगली ठीक है, यानी या तो आप सेम रिटर्न टाइप रखो या फिर कोवेरिएंट रिटर्न टाइप लिखो। नेक्स्ट मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड रूल जो है वह एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है, तो अब हम वह रूल डिस्कस करें।
इस रूल को डिस्कस करने के पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड बातों को डिस्कस कर लें। जावा के अंदर किसी भी क्लास मेंबर की चार एक्सेसिबिलिटी में से कोई एक हो सकती है, और वो चार जो एक्सेसिबिलिटीज है वो है प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ उसी क्लास में यूज़ होते हैं। जो डिफॉल्ट मेंबर्स होते हैं वह पैकेज के अंदर की सभी क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं। और जो प्रोटेक्टेड एक्सेसिबिलिटी है, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल मेंबर जो है वह पैकेज के अंदर की सभी क्लासेस में और पैकेज के बाहर सिर्फ सब क्लासेस में अवेलेबल रहते हैं। और पब्लिक जो मेंबर्स होते हैं वह हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर फाइल के अंदर, हर क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे यू कह सकते हैं कि प्राइवेट जो एक्सेसिबिलिटी है वह सबसे छोटी एक्सेसिबिलिटी है, और आगे जो एक्सेसिबिलिटीज है वह बढ़ती चले जाती है। यानी प्राइवेट से बड़ी जो एक्सेसिबिलिटी है वह है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट से बड़ी एक्सेसिबिलिटी है प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड से बड़ी एक्सेसिबिलिटी है पब्लिक। तो यहाँ पे प्राइवेट से लेके पब्लिक तक जो एक्सेसिबिलिटी है वह ब्रॉडर हो रही है। इसी तरीके से पब्लिक से यदि हम प्राइवेट की तरफ बढ़ें तो वह नेरो होते चली जाएगी। जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, प्राइवेट, इस तरीके से इस रिवर्स ऑर्डर में जो एक्सेसिबिलिटी है वह नेरो होती चली जाती है। अब मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड जो रूल है, जो एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में अपने को ध्यान रखना है, वह यह है कि मेथड को ओवरराइड करते समय या तो आप एक्सेसिबिलिटी को सेम रखें या फिर उसको ब्रॉडर करें। कभी भी मेथड ओवरराइड करते समय एक्सेसिबिलिटी को हम नेरो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें, गेट अमाउंट मेथड जो कि सुपर क्लास में है उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वह डिफॉल्ट है। जावा के अंदर यदि हमने कोई भी एक्सेस कंट्रोल नहीं लिखा है, प्राइवेट नहीं लिखा है, प्रोटेक्टेड नहीं लिखा है, पब्लिक नहीं लिखा है, तो वहाँ जो एक्सेसिबिलिटी होती है वह डिफॉल्ट होती है। डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई भी कीवर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे गेट अमाउंट के आगे हमने ना तो प्राइवेट लिखा है, ना प्रोटेक्टेड लिखा है और ना ही पब्लिक लिखा है, तो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वह डिफॉल्ट है। अब इस मेथड को सब क्लास में ओवरराइड करते समय भी हमने एक्सेसिबिलिटी को डिफॉल्ट ही रखा हुआ है, तो यह मेथड ओवरराइडिंग के अकॉर्डिंगली सही है। या फिर अब देखें, सुपर क्लास की जो गेट अमाउंट मेथड है वहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी है वह डिफॉल्ट है, और जो सब क्लास में मेथड को ओवरराइड किया हुआ है वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को हमने प्रोटेक्टेड कर दिया। तो प्रोटेक्टेड जो है वह डिफॉल्ट से बड़ी एक्सेसिबिलिटी है, यानी हम एक्सेसिबिलिटी को ब्रॉडर कर रहे हैं, बड़ी वाली एक्सेसिबिलिटी ले रहे हैं। तो यह भी मेथड ओवरराइडिंग के अकॉर्डिंगली ठीक है, यह प्रोग्राम भी कंपाइल और रन होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी जो कि सुपर क्लास मेथड को हमने दी है उसको सब क्लास में हमने पब्लिक कर दिया ओवरराइड करते समय, तो यह भी हमने एक्सेसिबिलिटी को ब्रॉडर किया है, तो अकॉर्डिंग टू मेथड ओवरराइडिंग ठीक है। किंतु अब इस एग्जांपल में देखें, सुपर क्लास की गेट अमाउंट मेथड की जो एक्सेसिबिलिटी है वह प्रोटेक्टेड है, और सब क्लास में इस गेट अमाउंट मेथड को ओवरराइड करते समय हमने जो एक्सेसिबिलिटी है उसको डिफॉल्ट कर दिया है। तो प्रोटेक्टेड को जब आप डिफॉल्ट करते हो, यानी आप एक्सेसिबिलिटी को नेरो कर रहे हो, डिफॉल्ट जो है वो प्रोटेक्टेड से छोटी एक्सेसिबिलिटी है। तो कभी भी मेथड ओवरराइड करते समय आप एक्सेसिबिलिटी को नेरो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह कंपाइल टाइम एरर होगा, यानी यह मेथड ओवरराइडिंग के रूल्स के अगेंस्ट है। एक चीज़ और मैं बता दूँ एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, वह यह कि प्राइवेट जो मेथड है वह सिर्फ क्लास के अंदर ही अवेलेबल होती है, तो प्राइवेट मेथड्स तो ओवरराइड होती ही नहीं है। तो उससे रिलेटेड हमें सोचना ही नहीं कि एक्सेसिबिलिटी कैसे क्या हो रही है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने मेथड ओवरराइडिंग कैसे करते हैं और मेथड ओवरराइडिंग करते समय हमें किन रूल्स को ध्यान में रखना है वह डिस्कस किया। कोर जावा से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स को भी समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस को देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी यदि आपके दिमाग में है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।